तो आपको काइनमास्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कलर जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको 10 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा हो, उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको छोटा कर कर सेट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। जो वीडियो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है और इस वीडियो को हमें फुल साइज कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो पे क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पे क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पर आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर देना है। जो आपको टी शर्ट जो आपने पहन रखे हैं वो आपको ब्लैक कलर का होना चाहिए और बाकी का बॉडी आपको वाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो टी शर्ट पहन रखा है वो ब्लैक दिख रहा है, एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट जितने भी है इसे हमें रिमूव कर देना है। तो हमारा वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है, जो वीडियो जो है गर्ल का सही तरह से एडजस्ट नहीं हुआ है। तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे हमें इस तरह से जूम भी कर सकते हैं, इस तरह से छोटा करके इसे आपको सही तरह से एडजस्ट आपको सेंटर में बिल्कुल कर देना है। तो अब देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा वीडियो एडिट हो चुका है। इसके बाद आपको सॉन्ग ऐड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं वीडियो में जो भी आइडियो था वो बाहर आ चुका है। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे हमें डिलीट कर देना है। तो हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको 3720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और इस वीडियो को आपको टिकटॉक साउंड पे ही अपलोड कर देना है।